नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, ऑनलाइन हूँ, फेसबुक लाइव। यह तकनीक जिसने यह सुविधा प्रदान की है कि हम एक दूसरे से जुड़ सकें, एक दूसरे से संवाद कर सकें, यह जो कवायद है, यह जो परंपरा है, तकनीक के माध्यम से मिली है हमें। हम इस पैनाडेमिक के दौर में, महामारी के दौर में, वैश्विक महामारी के दौर में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तमाम तरह की बुरी खबरें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। 6 महीने होने को आए लगभग, और हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें सुबह और शाम बीत तो रहे हैं, लेकिन इस बीतने में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन मनुष्य हर तरह की विपत्ति, हर तरह के आपदा से पार पाता आया है, और हम भी इस पैनाडेमिक से निश्चित तौर पर बाहर निकलेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह सर का, जो निदेशक हैं SCRT के, हम सर का धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें मौका दिया, हम आपकी वजह से आज आपके प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी बातें पत्रकारिता के संदर्भ में, मीडिया के संदर्भ में, मीडिया के बदलते तेवर और मिजाज के संदर्भ में हम साझा कर सकें। यह जो गुफ्तगु है, यह जो बातचीत है, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े जितने भी अकादमिक शिक्षार्थी हैं, प्राध्यापक बंधु हैं, उनके लिए कितने फायदेमंद, लाभप्रद होंगे, यह तो हमारे श्रोता जो हमें सुन पा रहे हैं, हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं, वे तय करेंगे। लेकिन यह बातचीत किया जाना बेहद आवश्यक है ऐसे समय में जब अनुकूल स्थितियां बहुत कम हों, प्रतिकूलताएं ज़्यादा हों, विपत्तियां ज़्यादा हों, समस्याएं अधिक हों, बेचैनियां अधिक हों, दिखने वाली और नहीं दिखने वाली परेशानियां बहुत ज़्यादा हों, वैसे समय में हमारे मीडिया का, जनमाध्यम का दुरुस्त होना आवश्यक है, पत्रकारिता का सुदृढ़ होना, मजबूत होना जरूरी है। तो हम इस पर बात करेंगे। मैं अपने मित्र डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी का भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आप ना होते तो यह कड़ी ना जुड़ पाती। आपका दिल से आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। हमारी जो एक शिक्षा की पद्धति है, शिक्षा की पूरी जो संकल्पना है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य का निर्माण करती हैं, और वह भी निर्माण कैसा, सर्वांगीण निर्माण करती हैं, विकास करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलपमेंट करती हैं। तो यह विकास एक तरफा नहीं होती, दो तरफा नहीं होती, चौतरफा नहीं होती, बल्कि बहुआयामी होती हैं। इसी विकास की प्रक्रिया में, इसी निर्माण की प्रक्रिया में पत्रकारिता का भी योगायोग बहुत अधिक है। हम पत्रकारिता पर थोड़े ठहर कर गंभीरता के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रयास होगा कि हम समझें सिर्फ पत्रकारिता के, जनमाध्यम के, मीडिया के केवल क्लेवर को नहीं समझें, फ्लेवर को नहीं समझें, बल्कि उनके रूप, रंग, ढंग, मिजाज को भी समझने की कोशिश करें। हम उनके गंभीरता को भी समझने की कोशिश करें, और उनकी लापरवाही की ओर भी इशारा करें, संकेत करें। यानी वे तमाम तरह की अच्छी प्रवृत्तियां जो पत्रकारिता के माध्यम से सामने आती हैं उस पर भी, और जो बुरी प्रवृत्तियां जो हावी होती चली जा रही हैं और पत्रकारिता के मूल अंतर्वस्तु को खराब कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, उस पर भी बातचीत होगी। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इस बात से कि जो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,
जिसके माध्यम से हम कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ जान पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, ये बहुत ही बेहतर और अच्छा माध्यम है। इससे लाभ उठाया जाना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये जो शैक्षणिक केंद्र है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इन्होंने इस तरह की पहलकदमी शुरू की है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता की जो परंपरा रही है, चाहे आप काशी का नाम ले, बनारस का नाम ले, या इलाहाबाद का नाम ले, कानपुर और आगरा का नाम ले, मेरठ या बलिया का नाम ले, एक अच्छा इतिहास रहा है। और इस इतिहास में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमारे दृष्टिकोण का निर्माण करती हैं, हमारी चेतना को निर्मित करती हैं। और यह जो चेतना का निर्माण है, अंततः असल में वास्तव में यही जन जागरूकता है। जब सामूहिक चेतना, सबकी चेतना आपस में मिल करके विचार करती है, विमर्श करती है, डिस्कोर्स करती है, क्या होना है और क्या नहीं होना है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पर पूरी तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ अगर विचार करती है, तो यही पत्रकारिता की दृष्टि में जन जागरूकता कही जाती है। और पत्रकारिता का जो ध्येय है, मूल उद्देश्य है, वह है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। पत्रकारिता सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जनमत निर्माण का काम करती है। और इस जनमत निर्माण के द्वारा वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का, उसके चरित्र का न सिर्फ निर्माण कर रही होती है, न सिर्फ मूल्यांकन कर रही होती है, बल्कि जीने लायक अवसर और परिवेश भी निर्मित कर रही होती है। इस दृष्टि से बेहद आवश्यक है कि पत्रकारिता पर ठहर कर बात की जाए, गंभीरता से बात की जाए और स्वस्थ एवं सार्थक तरीके से बात की जाए। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो एक साहित्यिक सांस्कृतिक उसकी जो बनावट है, रूपरेखा है, और जिस तरह की कवायद रही है बीते दिनों की, बीते सदियों की, बीते दशकों की, उससे ये पता चलता है कि पत्रकारिता के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश बेहद समृद्ध रहा है। मैंने कई स्थानों का नाम लिया, ये स्थान प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ से पत्रकारिता का बीजारोपण हुआ और बाद के दिनों में पत्रकारिता एक बेहतर मुकाम की ओर आगे बढ़ी। इसके बारे में माखनलाल चतुर्वेदी ने एक बात कही है, उस बात को मैं साझा करना आवश्यक समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की यह महिमा है कि वहाँ साहित्य से तथा मौलिक विचारकता से बदले नहीं लिए जाते, वहाँ मत की भिन्नता से प्राप्त प्रतिभा की विविधता का सम्मान किया जाता है, इसलिए वहाँ चिंतन दुर्विच्छ से नहीं मारा जाता, इसलिए वहाँ चिंतन दुर्विच्छ से नहीं मारा जाता, प्रतिभा का मरण नहीं होता और राष्ट्रीय साहस को भयभीत नहीं रखा जाता। तो ये जो पूरी की पूरी चेतना निर्माण की पद्धति रही है, चिंतन की जो परंपरा और प्रकृति रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण रही है। और उत्तर प्रदेश ने इसके माध्यम से, इस चिंतन की परंपरा से, इस दृष्टिकोण की परंपरा से अपनी मानसिकता को प्रदर्शित किया है, अपने होने को प्रमाणित किया है। तो पत्रकारिता की दृष्टि से बहुत ही उर्वर जमीन रहा है उत्तर प्रदेश का। और निश्चित तौर पर आप जब इतिहास, जब आप बीते दिनों की तफ्तीश करेंगे, तो आप पाएंगे कि कई सारी पत्र पत्रिकाएं वहां से निकली जो महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। मैं कुछ नाम की ओर आपको इशारा करूं, जिससे ये पता चले कि पत्रकारिता ने किस कलेवर में, किस रूप में अपनी भूमिका गढ़ी। तो आप देखेंगे कि आप अगर उन्हें 20वीं सदी के दशक की कुछ पत्रिकाओं का नाम ले, हम बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, बार बार राजा राम मोहन राय को याद करना, पंडित युगल किशोर शुक्ल को याद करना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद करना, या कि फिर प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट को याद करना जरूरी न भी हो, तो भी स्मरण आवश्यक है। क्योंकि पत्रकारिता की जो रंगोली है, जो कल्पना है, माफ करेंगे, जो अल्पना है, उन्होंने रची बुनी है और उसी के माध्यम से नवजागरण का निर्माण हुआ है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ऐसे चिंतक, मनीषी, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने जमीन
पकड़ने की कोशिश की, जमीन देखने की कोशिश की और उसके माध्यम से पत्रकारिता की बुनियाद रखी। उन्होंने सिर्फ ढोल पीट कर आवाज़ें नहीं की बल्कि हाशिए की आवाज़ को, शोषित पीड़ित वंचित वर्गों की आवाज़ को, उन पराधीन राष्ट्र के उन सारे लोगों की आवाज़ को एकीकृत किया, इकट्ठा किया और उनमें सामाजिक राजनीतिक चेतना की निर्मिति की। कम या अधिक हो सकता है लेकिन सारे लोगों का योगदान बहुत अधिक है और इस योगदान के लिए हमारी अपनी आंखों से उनका मूल्यांकन, उनका दर्शन आवश्यक है, उनका पाठ एवं अंतरपाठ जरूरी है। इस रूप में हम देखें तो कई बाद के दिनों में यानी कि 20वीं सदी के दशक में कुछ महत्वपूर्ण जो पत्र सामने आते हैं उन पत्रों की बात करें हम तो आप देखेंगे कि प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का बड़ा नाम है। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी का बहुत ही आदर और सम्मान करता हूँ कि उनकी जो भूमिका रही है वह बहुत बड़ी रही है। 20वीं सदी के एक ईमानदार प्रतिबद्ध पत्रकार के रूप में जिन्होंने जन सरोकार को लेकर, जन प्रतिबद्धता को लेकर, जन जागरूकता को लेकर बड़े काम किए हैं। तो प्रताप प्रभा जो माखनलाल चतुर्वेदी ने शुरू किया और बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी भी उससे जुड़े, वह भी एक महत्वपूर्ण पत्र है। इसी तरीके से चांद, आप जानते हैं चांद का फांसी अंक बहुत ही नाम लिया जाता है। चांद के और भी जो अंक रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और उस पर नई दृष्टि, नए तरीके से सोचने की, समझने की जरूरत है। चांद, हंस, स्वदेश, जागरण, माधुरी, मतवाला, भारत मित्र, हितवार्ता, रणभेरी, विश्वामित्र, कमला, संसार, कल्पना, ये सारी जो पत्र पत्रिकाएं हैं। छत्तीसगढ़ मित्र का नाम लिया जा सकता है। और पत्रकारिता के संसार में हम भूगोल की अगर बात करें तो पत्रकारिता की एक समृद्ध जैसा और समृद्ध और सुदृढ़ इतिहास रहे हैं और उस दृष्टि से हम देखें तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण की अगर बात ना करें, हम सिर्फ देखने की कोशिश करें तो केरल से कन्याकुमारी या कश्मीर तक है तो जिस तरह की रही हैं चीज़ें, गुजरात से लेकर आसाम तक है और है तो तमाम तरह के जो क्षेत्रीय भूगोल हैं, जो प्रांतीय भूगोल हैं, जो एक राष्ट्रीय भूगोल है उसके नक्शे में देखने की कोशिश करें तो हर क्षेत्र अपने आप में पत्रकारिता को लेकर दृढ़ समर्पित दिखाई पड़ता है। और इस तरीके से पत्रकारिता ने पूरे राष्ट्र में एक चेतना का निर्माण किया, एक सोच का निर्माण किया, एक दृष्टि का निर्माण किया। और ये जो दृष्टि थे वह व्यक्तिगत दृष्टि नहीं थे, सामूहिक दृष्टि थे, एक तरह से ऐसी दृष्टि थे जो व्यष्टि से समष्टि की ओर जाते थे, यानी सबकी बातें, सब लोगों की बात, सब तरह की बात और सबके लिए बातें करने की गुंजाइश थी और चेष्टा थी जिसमें पत्रकारिता सफल रही है। आज़ादी के दिनों में प्रेमचंद का नाम, गांधी जी का नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम, महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम, थोड़ा सा जो वैचारिक मतभेद के कारण है तो मनभेद तो नहीं कहूँगा लेकिन मतभेद के कारण एक गर्म पंथ और नरम पंथ का जो एक विभाजन था और 1905 में है तो जिस तरह से बंगाल विभाजन हुआ और 1907 में जो सूरत फूट हुए या 1906 में है तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो देखेंगे आप कि भारत करवट ले रहा था तमाम तरह की विचार की, तमाम तरह के मत मतांतर या कि सहमति या असहमतियों के लिए एक नया स्पेस क्रिएट हो रहा था और उस दौर की, उन दिनों की पत्रकारिता निर्मित हो रही थी। तो उन दिनों की जो ये पत्रकारिता थी वह जनता के सापेक्ष, जनता के हित में, जनता के पक्ष में लगातार बात करने की कोशिश कर रही थी। और अनिवार्य रूप से जो पत्रकारिता के जो मूल तत्व हैं जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, पहली बात तो मैंने सूचना के उद्देश्य की कही तो वह है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, तत्व की बात, एलिमेंट की बात जो मैं कह रहा हूँ, तो वो जो मूल तत्व हैं पत्रकारिता है की, जिसका निर्वहन, जिसका है तो संचालन किया है तो आज़ादी से पूर्व, स्वाधीनता पूर्व के हमारे साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने और बाद के दिनों में भी मैं तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, तो हम ये देखेंगे कि वो जो मूल तत्व थे वे थे प्रतिबद्धता, पक्षधरता, विश्वसनीयता,
वस्तुपरकता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, ये पूरी की पूरी जो एक तरह से मूल तत्व थे, एलिमेंट थे, वो चाहे वस्तुनिष्ठता के हों, तथ्यपरकता के हों, निष्पक्षता के हों, पारदर्शिता के हों, या तथ्यपरकता के हों, विश्वसनीयता के हों, ये कुल मिलाकर के समाचार पत्र को, पत्रिकाओं को, और भी जो अन्य माध्यम जो विकसित हो रहे थे, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहे थे और भारतीय संसार में अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा का भी एक नया समानांतर है तो स्पेस क्रिएट हो रहा था और माध्यम से कनेक्ट होने की भी लगातार कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश में वे सफल हो रहे थे। उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को, जो मूल तत्व थे पत्रकारिता का, उसका निर्वहन किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हम 21वीं सदी की पत्रकारिता पर बात कर रहे हैं, तो बात करने से पूर्व ये जो पूर्व पीठिका है उसका एक बार स्मरण आवश्यक हो जाता है, उसका एक बार ध्यान आना चाहिए कि पूर्व के जो पत्रकार थे, वो चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी हों, माखनलाल चतुर्वेदी हों, बाबू विष्णुराव पराड़कर हों, गांधी हों खुद अपने आप में, प्रेमचंद हों या अंबेडकर हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जो उस समय का एक समाज था, बहुजन समाज था, बहुसंख्यक समाज था, जो हाशिए पर था, ताकत में नहीं था, शक्ति संरचना में नहीं था, केंद्र में नहीं था, उसको केंद्र में लाने की कोशिश की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भाषा गढ़ी, नहीं चेतना गढ़ी, जबान गढ़ी, जो कल तक बोल नहीं सकते थे वे बोल रहे थे, वे लिख रहे थे, अपनी भूमिका तय कर रहे थे, यानी कल तक जो लोग, जो अपने जिनका होना भी कोई एक प्रमाण नहीं था, क्योंकि उन्हें हर जगह बोलने की आज़ादी नहीं थी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के तमाम तरह के कसीदे काढ़ना, वो एक अलग बात होती है। जब तक से किसी मनुष्य को बोलने न दिया जाए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इन्हीं अर्थों में देखें कि स्त्रियों का भी जो एक संसार है, स्त्रियां चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, एक्स्ट्रा मॉडर्न या अल्ट्रा मॉडर्न हो जाए, अगर वैचारिक रूप से या आर्थिक रूप से वे सशक्त नहीं हैं, वे उन्हें पूरी आज़ादी नहीं है, पूरी स्वतंत्रता नहीं है, उन मुक्तता नहीं है, तो संभव नहीं है कि वे अपने को गढ़ पाएंगी, अपने को अपना निर्माण कर पाएंगी या कि अपनी भूमिका तय कर पाएंगी। इन रूपों में देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि उस दौर की जो पत्रकारिता थी, हाशिए की पत्रकारिता का भी समावेशन कर रही थी। ये जो इंक्लूजन था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और डॉक्टर अंबेडकर की जो मैंने बात कही, वो चाहे बहिष्कृत भारत हो, उनके द्वारा जो पत्र निकाले जा रहे थे, या फिर जनता हो या मूक नायक हो, उन्होंने निश्चित तौर पर जो एक बार बार उनका कहा, कोट किया जाता है या उल्लेख किया जाता है कि आप संघर्ष करो, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित बनो, तो ये बार बार जो कहा जाता है कि उनकी शिक्षा पर जोर थी, संगठनिक एकता पर जोर थी और संघर्ष करने पर उनका पूरा का पूरा बल था। तो ये इस चेतना के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ, इस मानसिकता के साथ वह लगातार अपने पत्रों के माध्यम से लोगों के विवेक को, उनकी सोच को, उनके चीज़ों को ग्रहण करने या है तो चीज़ों को देखने की जो उनकी अपनी एक आदत है, व्यवहार है, उन सारी चीज़ों को वे बदलने की कोशिश कर रहे थे। बदलना क्या कहेंगे, उसे वो व्यापक बना रहे थे, विस्तृत बना रहे थे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उस समय की जो पत्रकारिता है काफ़ी आगे जाती है। इस पत्रकारिता को लेकर के हम जो अपनी बातें कह रहे हैं, इसको लेकर के बहुत गंभीर काम हुए हैं, उन कामों को भी देखा जाना आवश्यक है। जैसे सुरेश सलील ने है तो गणेश शंकर विद्यार्थी पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, कर्मेंदु शिशिर ने है तो आपको काम किया है, ज्योतिष जोशी ने साहित्यिक पत्रकारिता के नाम से काम किया है। इन पुस्तकों को भी देखने की ज़रूरत है, पढ़े जाने की आवश्यकता है। और जब हम पत्रकारिता के इन के संदर्भ में जो ये लेखन हुए हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे कि
हमारी जो पत्रकारिता पहले की थी, 20वीं सदी की जो पत्रकारिता थी, बहुत ही प्रतिबद्ध थी, बहुत ही ऊर्जस्वी थी, बहुत ही तेजस्वी थी। वह उनकी जो जनपक्षधरता है, उनकी जो लोक प्रतिबद्धता है, वह जबरदस्त है। इसी कारण उसमें जो सच्चाई की जो आँच होती है, जो ताक होती है, वह दिखाई पड़ती है। बाद के दिनों में भी अगर हम 20वीं सदी में आज़ादी के बाद के उत्तरार्ध की बात करें, तो भी हम देखते हैं कि दिनमान, प्रतीक, माधुरी और धर्मी युग, बहुत सारी ऐसे पत्र थे जिन्होंने हैं तो वो अपनी जो पुरानी भूमिका थी उसको बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन समय के साथ जैसे बदलाव होते हैं, प्रवृत्तियां भी, नई प्रवृत्तियां भी उत्पन्न होती जाती हैं, तो पत्रकारिता में भी एक नई तरह की प्रवृत्ति घुसपैठ कर रही थी, सामने आ रही थी, और वह पत्रकारिता के तेवर को, मिजाज को बदल रही थी। और जब हम ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो नई प्रवृत्तियां आ रही थी, वह डरावनी थी, खौफनाक थी, और निश्चित तौर पर वह जो हमारे बीते दिनों के दूरदर्शी पत्रकार थे, जो स्वप्नदर्शी पत्रकार थे, उनके लिए चिंता का विषय थी। क्या इन चिंताओं को लेकर के हमारे जो युग दृष्टा थे, काल दृष्टा पत्रकार थे, संपादक थे, नहीं सोच रहे थे? क्या विचार नहीं कर रहे थे? क्या उनके संपादकीय में, क्या उनके लेखों में ये चीज़ें सामने नहीं आ रही थी? तो हम देखने की कोशिश करें, हम याद दिलाना चाहते हैं उस उदाहरण को, जिसे बार बार पत्रकारिता के विद्यार्थी के रूप में कोट करते हुए बड़ा मौज आता है, अच्छा लगता है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जब बाबूराव विष्णु पराड़कर ने यह बात कही तो कितनी पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले भविष्य के पत्रकार कैसे होंगे, संवाददाता कैसे होंगे, पत्र और पत्रिकाएं कैसी होंगी, या कि पूरा का पूरा जो बदलता हुआ मीडिया है, उसका तेवर और मिजाज कैसा होगा। वह पराड़कर जी जब अपनी यह बात कह रहे थे, तो वे कह रहे थे, आज आप उन्हें मिला करके देखिए, आज की अपनी अवस्था व्यवस्था से मिला करके देखिए कि क्या पराड़कर जी दुरुस्त थे, वे सही फरमा रहे थे। आपके समक्ष प्रस्तुत है उनका कहा। भविष्य में पत्रे निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े बड़े धनिकों अथवा सुसंगठित कंपनियों के लिए ही संभव होगा। पत्र सर्वांग सुंदर होंगे, आकार बड़े होंगे, छपाई अच्छी होंगी, मनोहर, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में विविधता होगी, कल्पनात्मकता होगी, गंभीर गवेषणा की झलक होगी और मनोहारिणी शक्ति भी होगी। आप जब आज के अखबारों के पन्ने पलट रहे हों और उसमें तमाम तरह की रंगीनियाँ देख रहे हों, कलेवर देख रहे हों, और उसमें चित्रात्मकता देख रहे हों, या फिर एक तरह का ग्राफिक्स और एनिमेशन के आधार पर एक अलग तरह का ग्लैमर्स देख रहे हों, तो इन बातों को थोड़ा मिलाकर देखिए कितना सच सोच रहे थे और किस दिशा में, किस तरीके से सही सोच रहे थे बाबूराव विष्णु पराड़कर। वे आगे कहते हैं कि ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी जाएगी, और आज की तारीख में मुझे कहना हो तो आज समाचार पत्रों की जो स्थिति है, तो हमारे जो हिंदी के जो पाठकों की संख्या है वह है 20 करोड़ से ऊपर है, 22 करोड़ के आसपास है। ये तो पुराने सर्वेक्षण, पाठक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, अब तो और अधिक हो सकते हैं, मुझे लगता है कि 25 करोड़ के आसपास होंगे। तो हिंदी में ये स्थिति है, और कुल पत्रों की संख्या अगर मिला लें तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 50,000 पत्र पत्रिकाएं हर वर्ष से निकलती हैं हिंदी और अन्य भाषाओं में मिलाकर। तो ये सारी पत्र पत्रिकाएं आखिरकार क्या कर रही हैं, किस रूप में अपना कार्य कर रही हैं, किस तरीके से योगदान कर रही हैं, कि हम यह बात कहने पर विवश हैं कि आज से कई दशक पहले जो पराड़कर जी सोच रहे थे, वे सही सोच रहे थे। वो भी आगे कहते हैं कि ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी जाएगी, यह सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता कि प्राण उसमें है या नहीं, आज के अखबार के पन्नों को हिला डुला कर देखिए कि जान बाकी है अथवा नहीं। रेडियो के बुलेटिन सुनते हुए, उनके दिन भर के कार्यक्रम सुनते हुए आप खुद आकलन किए कि क्या इनमें जान बची है या नहीं। टेलीविज़न की बात करें, टेलीविज़न को क्यों छोड़ दिया, सबसे ज़्यादा है तो हमारे घर में, हमारे डाइनिंग हॉल में, हमारे बेडरूम में सबसे ज़्यादा घुसपैठ अगर किसी का है
तो टेलीविजन का है, वह तो कुकर की सीटी के बावजूद बजता रहता है निरंतर निर्बाध। फिर प्रेशर कुकर की सीटी तो समय से बजती है, वह तो असमय बाजार की तरह बजता रहता है। उस टेलीविजन के बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो टेलीविजन 24/7 की भाषा में है, बेफुर्सत है, बेपरवाह है, लगातार है तो होंक रहा है चीज़ों को, लगातार बोल रहा है, वह है कितना विश्वसनीय है, कितना वस्तुनिष्ठ है, कितना जनता के काम का है। तो वे कहते हैं कि यह सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे, पत्रों की नीति देशभक्त धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण संपादकों की नीति न होगी। इन गुणों से संपन्न लेखक समझे जाएंगे, इन गुणों से संपन्न लेखक विकृत मस्तिष्क समझे जाएंगे, संपादक की कुर्सी तक उनकी पहुंच भी ना होगी, वेतन भोगी संपादक मालिक का काम करेंगे और बड़ी खूबी के साथ करेंगे। वे हम लोगों से अच्छे होंगे पर आज भी हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह उन्हें न होगी। ये बात मार्के की है, जो स्वतंत्रता वाली बात है, संपादक की सत्ता वाली बात है, वह है सत्ता जो पुरानी में थी, पुराने लोगों में थी, पुराने संपादकों में थी, पुराने पत्रकारों में थी, आज के पत्रकारों में, आज के संपादकों में नहीं है। उनके पास मोटी तनख्वाह है, मोटी सैलरी है, लेकिन वह प्रभाव शक्ति नहीं है, जनमत निर्माण की वह ताकत नहीं है, कुवत नहीं है जो बाबूराव विष्णु पराड़कर जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं। देखिए, आज की जो 21वीं सदी की पत्रकारिता है और पत्रकारिता की जो बदलती हुई प्रवृत्ति है और पूरा का पूरा जो नया प्रभाव है, अगर उसकी हम बात करें तो आज का संपादक नहीं है, प्रबंधक है, वह प्रवंचक होता चला जा रहा है। मैं और यह जब बातें कह रहा हूँ तो मैं यह बातें जनरलाइज करते हुए नहीं कह रहा हूँ। आज भी हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं बल्कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें यह परंपरा है, आज भी वह रवायत है कि वह पत्रकारिता के जो मूल उद्देश्य हैं, उसकी जो साख है, उसको बचाए हुए हैं। और इस दृष्टिकोण से देखें तो जो क्षेत्रीय भाषा के अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, या कि उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, उनके भीतर जो स्थानीयता का जो सौंदर्य बोध है, उनकी जो प्रस्तुति का अपना एक जो तरीका है, या कि जो संपादकीय जो दृष्टिकोण है, और वो भी दृष्टिकोण कैसा, स्थूल सूक्ष्म दृष्टिकोण, यानी कि माइक्रो लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक है, वह बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि भले हाल के दिनों में एक राष्ट्रीय पत्रकारिता का, राष्ट्रीय मीडिया का एक जलवा हो, फटाफट न्यूज़ का एक चलन हो और बार बार रिमोट पर आप उन्हीं चैनलों को देखने के आदि हों, लेकिन जो आंचलिक पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जो आंचलिक पत्रकार हैं, जो आंचलिक मीडिया छोटे छोटे चैनल चलाने वाले लोग हैं, वे आपकी खबरों की खबर सबसे अधिक रखते हैं, सबसे ज़्यादा सच्चे तरीके से वे आपके प्रति संवेदनशील हैं, सजग हैं। लेकिन हमारी उनकी प्रवाह नहीं है, हमारी प्रवाह किसकी है, हमारी आँख जिन चीज़ों को देखने की आदति हो गई है वह है राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया। और राष्ट्रीय मीडिया या नेशनल मीडिया की जो ये पूरी की पूरी जो खेल है, पूंजीवादी खेल है, टीआरपी का जो खेल है, उसमें जनता के हित, जनता की समस्याएं, जनता के संकट, जनता की बात, जनता का पूरा एक वजूद, पहचान और अस्मिता की पूरी पूरी जो एक प्रकृति है वह हाशिए पर है, वह उनकी चिंतन से बाहर है। और ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि जो बदलता हुआ 21वीं सदी का पूरा जो मीडिया है वह लोगों को जागरूक कम कर रहा है, भ्रमित अधिक कर रहा है, दिग्भ्रमित अधिक कर रहा है। और इस दिग्भ्रमित होने के पीछे हमारा अपना भी प्रभाव है, क्योंकि हमने गंभीरता नहीं बरती, हमने वह तत्परता नहीं बरती, हमारी जो चेष्टा है वो अखबारों को लेकर के, हमारी जो एक दृष्टि है वह भी बहुत उथली है, या कि सतही है। पहले के जो पत्रकार थे, जिस तरीके से जनमत निर्माण करते थे, जिन बातों को, जिन विचारों को जिस प्रभाव से आरोपित करते थे, उनका उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी था, ग्रहण भी था। आज ग्रहण नहीं है, ग्रहण पर ही, यानी रिसीविंग जो कहते हैं ना,
उस रिसीविंग पर ही है, तो एक तरह से ग्रहण लग गया है। तो इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि जनता जो अपनी मूल प्रवृत्ति है, जनता की जो अपनी मूल चेतना है, वह भी जिस तरीके से बदलती है, उसके वह भी कारण है कि 21वीं सदी की पत्रकारिता आज फेक होती चली जा रही है, पेड होती चली जा रही है, एम्बेडेड होती चली जा रही है, येलो और ग्रे होती चली जा रही है। ये जो सारे के सारे टर्मिनोलॉजी है जो पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, वह दरअसल आज का संकट इस नाते है क्योंकि अखबार ही नहीं, जनता भी विश्वसनीय नहीं रही है। जनता की जो विश्वसनीयता की बात है, आखिर कहाँ चली गई विश्वसनीयता? किन किन लोगों ने इस विश्वसनीयता को खो दिया या खोने दिया, इस पर भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से हम देखें कि जो 21वीं सदी की बदली हुई पत्रकारिता है, उसमें जो मेजर फैक्टर हैं, जो प्रभाव अपना आप छोड़ रहे हैं या डाल रहे हैं, उसको थोड़ा वर्गीकृत करने की कोशिश करें। पहले की जो पत्रकारिता के जो फैक्टर थे और अब के जो पत्रकारिता के जो फैक्टर हैं, वह थोड़ा आप देखें, तुलनात्मक रूप से देखें। आप शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो आप आपने ये गौर किया होगा कि यह फैक्टर जो मैं कह रहा हूँ, वह आम बात हो चली है। जैसे जो पहले के जो संपादक थे और पूरी की पूरी जो एक समाचार पत्र हो या पत्रिका हो या फिर रेडियो टेलीविज़न की सीमित ही सही जो पहुंच और उसकी उपलब्धि हो, उसमें जो एक चीज़ मैटर करती थी, अपना अर्थ रखती थी, वह थी कि पहले है तो सबसे मुख्य होता था संपादक के साथ है पूरी टीम होती थी, उप संपादक की, फोटोग्राफर की, वीडियोग्राफर की, यहाँ तक कि संपादाता और जो अलग अलग डेस्क पर काम करने वाले लोग हैं या अलग अलग बीट में जो काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग फील्ड में जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, तो वे भी बहुत महत्वपूर्ण होते थे। और इस तरीके से संपादक का जो एक औरा था, वैचारिक औरा था, वह बहुत महत्वपूर्ण था। वह अकेला नहीं था, संपादक के बाहुबली नहीं था, और संपादक की जो एक सत्ता थी, उसके इर्द गिर्द जो लोग थे, वो पूरा मिल करके एक चेतना, एक सामूहिक चेतना का निर्माण करते थे, सामूहिक विचार का निर्माण करते थे, और इसके माध्यम से संपादक की बनती थी, इसके माध्यम से संपादक की लिखी जाती थी। और पूरा का पूरा जो दृष्टिकोण जिस तरीके से बनता था, और उसमें सिर्फ संपादक के सर्वे सर्वा नहीं होता था। यानी कि आज जिस तरीके से वन मैन शो है, वह उस समय नहीं थी। आज संपादक मालिक हो गया है। तो मैं जब पुराने और नए का फर्क कर रहा हूँ, तो मैं संपादक की सत्ता की बात कर रहा हूँ कि संपादक के पहले मैटर करता था, फिर उसके बाद कंटेंट की बात आती थी, सोर्स की बात आती थी, न्यूज़ की बात आती थी, व्यूज की बात आती थी, एडिटोरियल की बात आती थी, और उसके साथ ही साथ जो लेटर टू एडिटर होते हैं उसकी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि संपादक के बाद तथ्य महत्वपूर्ण थे, अंतर्वस्तु महत्वपूर्ण थे, क्या लिखा जाना है, किसके लिए लिखा जाना है, क्यों लिखा जाना है, कैसे लिखा जाना है, इस पर पूरा का पूरा डिस्कशन होता था, बहस होती थी, खुली बहस होती थी। वह है, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते थे, बावजूद इसके जब बतकही होती थी, जब आपस में संवाद होते थे, तो गोल में टॉक होते थे और लोग क्लोज डिस्कशन के माध्यम से यह तय करते थे कौन सी खबर जाएगी और कौन सी खबर नहीं जाएगी, किस खबर का जाना महत्वपूर्ण है और किस खबर का जाना नहीं महत्वपूर्ण है। इस तरीके से न्यूज सेंस और न्यूज वैल्यू वाली बात बनती है। पहले न्यूज सेंस को लेकर, न्यूज वैल्यू को लेकर के जान लगा दी जाती थी। इस तरीके से अखबार अपनी सुचिता का, अपनी नैतिकता का, अपनी आचार संहिता का, अपनी स्वायत्तता की रक्षा करता था। और आज ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। जैसे आज की पीढ़ी बिंदास है, हर बात में एक टसन में रहती है, एक तरह के अपनी दुनिया में रहती है। उसके लिए भले ये चीज़ें मैटर ना करती हों, लेकिन करनी चाहिए।
तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण थी कि संपादक और संपादक के बाद है तो फिर मैंने कहा तथ्य की बात, अंतर्वस्तु की बात है, और फिर उसके बाद है तो मनी की बात आती थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मनी महत्वपूर्ण नहीं थे, पैसे महत्वपूर्ण नहीं थे, धन महत्वपूर्ण नहीं थे, धन महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति के लिए जो बुनियादी जरूरत है उसकी जरूरत, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन आवश्यक होते हैं। लेकिन धन की वजह से आप धन बलि हो जाएं, धन पशु हो जाएं, यह नहीं होना चाहिए। धन की आवश्यकता अपने ध्येय को साधने के लिए होना चाहिए, न कि अपनी तमाम तरह की जो अनर्गल धारणाएं हैं, अनर्गल जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए। और आज की पीढ़ी में, मैं इसे जनरेशन गैप नहीं कहता, लिप्सा या भ्रष्टता, लंपटी, दुष्टता, ये तमाम तरह की चीज़ें, ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। कौन मनुष्य अच्छा या बुरा है ये हम और आप नहीं तय कर सकते, वह व्यक्ति ही तय कर सकता है कि वह अपनी दुर्बलताओं से कैसे पार पाता है, अपनी अच्छाइयों को कैसे बाहर लाता है, अपने सद्गुणों का कैसे विकास करता है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा रही हैं, ये एक मूल प्रवृत्ति है, आदिम प्रवृत्ति है, जो सब में रहती हैं, किसी में कम किसी में अधिक है। लेकिन पहले के जो संपादक थे, जो पत्रकारिता की जो मूल चेतना थी, मूल ध्येय थी, इन चीज़ों पर बल देती थी कि धन होना चाहिए, क्योंकि धन के बगैर अखबार नहीं चल सकते, नहीं चलाए जा सकते। इसके बाद मशीन की बात आती है। पहले भी मशीन पर निर्भरता थी, छापे खाने की, प्रेस की जरूरत थी, पूरी की पूरी एक प्रेस की एक व्यवस्था होती थी जहाँ वो मशीन काम करते थे, और मशीन के माध्यम से प्रकाशन होता था, उसका वितरण होता था। तो वे पहले भी बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आता है पब्लिशिंग हाउस से और हॉकर्स की बात है। चीज़ें जो पब्लिश हो रही हैं वो पूरा का पूरा एक पब्लिशिंग हाउस था जो मैनेजमेंट करता था कि कौन सी चीज़ें किस क्षेत्र में जाएगी, कहाँ जाएगी, डांक संस्करण होगा या फिर है तो प्रातः संस्करण होगा, ये सारी चीज़ें तय की जाती थी, किन किन क्षेत्रों में कितनी खपत है, कितनी डिमांड। तो ये एक उनका मैनेजमेंट सिस्टम होता था, प्रबंधकीय है तो उनके यहाँ टीम होती थी, लेकिन वह केवल काम के लिए काम करती थी, वह संपादक की सत्ता को बर्खास्त नहीं करती थी, उन्हें वो उस पर है तो हावी नहीं होने की कोशिश करती थी। इस तरीके से हम देखें कि बाद में जो सबसे लास्ट चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने आपसे बात कही, मैंने कहा संपादक का की सत्ता महत्वपूर्ण थी, अंतर्वस्तु यानी कंटेंट की सत्ता महत्वपूर्ण थी, उसके बाद है तो धन महत्वपूर्ण थे, मशीन यानी यंत्र महत्वपूर्ण थे, फिर जो छपाई के काम में आते थे पूरी, फिर है तो एक पब्लिशिंग सिस्टम जो थी, प्रकाशकीय जो व्यवस्था थी वह महत्वपूर्ण थे, और उसके बाद जो आखिर चीज़ आती है वह महत्वपूर्ण थी आपको मीडियम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत निर्माण की परंपरा, जनमत निर्माण के साधन, जनमत निर्माण का माध्यम। और इन रूपों में आप देखेंगे कि जो पहले के जो समाचार पत्र थे, पत्रिका थे, टेलीविजन रेडियो थे, टेलीविजन थे, यहाँ तक कि मैं 70 mm की जो पर्दे हैं पर चलने वाली फिल्में हैं, सिनेमा है, उसको भी मैं शामिल करूँगा कि वह भी एक जनमाध्यम का बड़ा रूप थी जो लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ रही थी। तो इस तरीके से हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि 20वीं सदी की जो पत्रकारिता थी लगातार अपने तेवर में, अपने तरीके से हस्तक्षेप गढ़ रही थी, प्रभाव छोड़ रही थी, और लोगों को यह सोचने पर विवश कर रही थी कि आप जानिए कि आपके दाएं बाएं आगे पीछे क्या कुछ हो रहा है। वह सच के लिए सिर्फ भाषा नहीं करती थी बल्कि सच में विचार भी प्रस्तुत करती थी। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन विचार गायब हैं, दृष्टि गायब है। पहले जो संपादक की सत्ता थी अंततः विचार को, दृष्टि के निर्माण पर पूरा का पूरा बल देती थी। इस तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो हम देख पाएंगे कि आज की जो 21वीं सदी की जो पत्रकारिता है, बदलती हुई जो पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता में जो नई भूमिका दिख रही है, नए जो रूप दिख रहे हैं वे हैं कि संपादक की जगह इन्हें मैनेजर चाहिए, इन्हें मटेरियल चाहिए, इन्हें मनी चाहिए, इन्हें मशीन चाहिए, इन्हें मैन्युफैक्चरर्स चाहिए, इन्हें है तो डीलर चाहिए, प्रमोटर चाहिए, इन्हें है तो मीडियम ऑफ इमेज बिल्डिंग का साधन चाहिए।
तो ये इस तरीके से देख रहे हैं कि जहां दूसरी तरफ संपादक महत्वपूर्ण था, अब मैनेजर महत्वपूर्ण हो गए हैं। जहां कंटेंट महत्वपूर्ण थे, अब उसे मटेरियल का बना दिया गया है, यानी कि जिन्स और कमोडिटी जिसे कहते हैं, हर चीज को वस्तुकरण में बदल देना वैसा होने लगा है। जब आप विचार को भी वस्तुकरण, विचार को भी आप थिंगिफिकेशन कर देते हैं, वस्तुकरण की चीज बना देते हैं, तो फिर वह अपना जो मूल प्रभाव है, जरूरी प्रभाव है, वह नहीं छोड़ पाती हैं। और इस तरीके से आप देखें कि जो पहले की जो पत्रकारिता थी, वह पहले है तो आपको कन्फर्म करती थी, फिर वह रिफॉर्म करती थी, और फिर ला अंत में जाकर इन्फॉर्म करती थी। पहले वह सोर्स की तलाश करती थी, रिसोर्स की तलाश करती थी, फिर उसका फैक्ट चेक करती थी, क्रॉस चेक करती थी, और इस तरीके से वह कन्फर्म करती थी कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन उसके बाद मैं पहले बता दूं कि वह जो कंफर्म करती थी, उसके बाद वह है तो उसको रिफॉर्म करती थी, तैयार करती थी, उसे लिखने का, राइटिंग में लाने का काम करती थी, रिपोर्ट में लाने का काम करती थी, उस पर एडिटिंग करती थी, पूरी एडिटोरियल टीम जो होती थी वह काम करती थी। यह था रिफॉर्म। इस तरीके से जो सूचना थी, जो तथ्य थे, जो आंकड़े थे, अलग अलग रूपों में जो आते थे, वह अपने सोर्स के माध्यम से, अपने रिसोर्स के माध्यम से, अपने फैक्ट चेक के माध्यम से, अपने है तो क्रॉस चेक के माध्यम से जब सत्यापित हो जाते थे, वस्तुनिष्ठ साबित हो जाते थे, तब जाकर उन्हें रिफॉर्म किया जाता था, तैयार किया जाता था। तब जाकर के बात होती थी कि आप रुडियार्ड किपलिंग की थ्योरी लगाइए 5W1H कि आमुख कैसे लिखा जाए, इंट्रो कैसा लिखा जाए, यानी क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, कि ये जो छह ककार वाली जो पत्रकारिता का जो सिद्धांत है, तब जा करके लागू होता था। लेकिन पहले वह कन्फर्म करते थे, तब वह रिफॉर्म करते थे, और जब वह बनकर के तैयार हो जाती थी, तब उनका मामला आता था कि हमें अब इसे इन्फॉर्म करना है, यानी लोगों को सूचित करना है, लोगों को जानकारी में लाना है, लोगों के संज्ञान में लाना है, लोगों में बताना है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी जो न्यूज की पूरी एक शब्दावली बनती है, उसमें यह बताया जा सके कि बीते दिनों या हाल के समय में कहाँ क्या कुछ, कब, किसके साथ, क्यों और कैसे हुआ है। तो ये चीज़ें से सैद्धांतिक रूप में चलती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि आज जो फटफटिया न्यूज है, आज का जो ये 24/7 वाला है तो दंगल है, जो मुकाबला है, और टेलीविजन पर ये खास तरह की है तो खास तरह की नाटकीयता के साथ, खास तरह के एक तरह के एक तरह के सोची समझी है तो प्रोपेगेंडा के साथ, स्ट्रेटजी के साथ है, आप जो चीज़ें परोस रहे हैं, जो चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, जो चीज़ें सामने ला रहे हैं, वह दूसरी हैं। वह क्या हैं? आज की जो स्थिति है वह है, इन्फॉर्म पहले करती है, कन्फर्म बाद में करती है, और फिर उसके बाद रिफॉर्म करती है। यानी कि पहले वह इन्फॉर्म कर देती है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, फिर उस चीज़ों को है तो बताने की कोशिश करती है कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं, किसके माध्यम से पता चला है कि ये चीज़ें हुई हैं, और फिर बाद में जा करके उसे है तो फाइनली है तो रिफॉर्म करती हैं, रीसाइट करती हैं, रीचेक करती हैं, और फिर यह मालूम चलता है कि जो वायरल सच है उसमें वायरल कितना है और सच कितना है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, यानी कि पहले जो जिन कन्फर्मेशन पर जोर था, अब इन्फॉर्मेशन पर जोर है। अब हमारे लिए पहले जो विश्वसनीयता महत्वपूर्ण थी, वस्तुनिष्ठता महत्वपूर्ण थी, जिसको कि हम क्रिएडिबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी कहते थे, अब महत्वपूर्ण हो गया है सूचना देना, त्वरित सूचना देना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, नैनो सेकेंड के भीतर सूचना देना, और इतनी जल्दी मची होती है, उन्हें लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं वही एक्सक्लूसिव है। अरे भैया, इतनी जल्दी क्यों है, इतनी आफत क्यों मची है, कौन सा आसमान गिर गया है, कौन सा है तो ध्रुव तारा टूट गया है कि आप इतना लगे पड़े हैं कि अभी कह देना है, अभी बता देना है, अभी है तो सबके सामने सब कुछ प्रस्तुत कर देना है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। यह जो जल्दबाजी है कई बार ही नहीं बल्कि हमेशा लापरवाही को आमंत्रित करती हैं। और आज की जो पत्रकारिता है, जो तमाम तरह की खामियों से, तमाम तरह की कमजोरियों से
जूझ रही है या जिससे लदी फदी हुई है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम जो एक पत्रकारिता के जो तय और मानक के सिद्धांत हैं, जो उसके उसके जो तौर तरीके हैं, उसको हम फॉलोअप नहीं ले रहे हैं, उसका हम है तो अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम जो बातें आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह कि जो पुरानी पत्रकारिता थी उनको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, उनके लेख आलेख देखने की कोशिश करेंगे, उसमें और अब में काफ़ी फर्क आ गया है। इस तरीके से हम आपसे बात करें तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो बदलती जा रही है, उसमें एक चीज़ तो यह भी महत्वपूर्ण है कि जो जिस ओर संकेत कर रहे हैं अच्युतानंदन मिश्र जी, मैं उनकी बातें कहना चाहूँगा कि वे कह रहे हैं कि अच्युतानंदन मिश्र जी कुलपति रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के, और बहुत ही गंभीर अध्येता हैं, और उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में या उनकी सहमति के अनुसार ज्योतिष जोशी ने साहित्यिक पत्रकारिता पर बड़ा मुकम्मल काम किया है, उसे उल्टे पलटे जाने की जरूरत है। तो वे जब कहते हैं कि आपातकाल और प्रेस की स्वाधीनता पर ग्रहण लगने, उपग्रह संचार क्रांति के कारण इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के विस्तार ने पत्रकारिता को आधुनिक मीडिया में रूपांतरित कर दिया है। इस तंत्र प्रधान मीडिया की नीतियों, उद्देश्यों, सरोकारों को उसके मालिक संचालकों ने पूरी तरह बाजारवादी बना दिया है। ये जो बाजारवादी होना है, क्यों होने जाने दिया गया है? क्यों जो मालिक हैं, जो मॉडरेटर हैं, जो है तो संचालक हैं, वह इतना हावी और प्रभावी होते जा रहे हैं? क्यों जो जनता की जो मति सम्मति है, जो जनता की स्थिति परिस्थिति है, उस पर आंख नहीं टिकाई जा रही? क्यों नहीं उन पर कान दिए जा रहे हैं? कारण यह है कि कई बार जो एक जो मीडिया डिपेंडेंसी की थ्योरी होती है, हमारी जो है तो जैसे सरकार पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से दूसरी तरफ हमारी निर्भरता मीडिया पर भी बढ़ती जा रही है। और मीडिया जब यह मान लेती है और यह समझ लेती है कि यह पूरा का पूरा जो खेल है या कि प्रभाव है वह है पैसों का है, या कि इसे इस रूप में देखने की कोशिश करें कि यह जो पूरा का पूरा खेल है वह नियोजित है, तो उसमें जो जनता होती है वह हाशिए पर चली जाती हैं, और जो जो कॉरपोरेट होते हैं, जो सत्ता शक्ति संरचना को प्रभावी करने वाले लोग होते हैं, उनके हस्तक्षेप, उनके दखल बढ़ जाते हैं। तो कई बार जो मीडिया से जुड़े लोग हैं वह अपनी निष्ठा के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ इसलिए भी समझौता करते हैं क्योंकि वे जो सत्ता शक्ति संरचना के लोग हैं, उनकी स्वार्थ को, उनकी लिप्सा को, उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहे होते हैं, उसको है तो संतुष्ट कर रहे होते हैं। और आज 21वीं सदी में जब हम बार बार मूल्य की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो इसमें यह पता चलता है कि जो एक रेगुलेटिंग सिस्टम है वह है पूरा का पूरा फेलवर हो गया है, विफल हो गया है। और इस तंत्र के विफल होने का कारण यह है कि जो शब्द अर्थ की जो एक संस्कृति थी, व्यवस्थित संस्कृति थी, शब्द और अर्थ का जो एक उनका है तो संप्रेषण था, संचार था, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया बाधित हो गई है। यानी कि जो एक साधारणीकरण होता था, जनरलाइजेशन होता था, सामान्यीकरण होता था, वह पूरा का पूरा स्वरूप बदल गया है। यानी टेलीविजन में जिन लोगों के लिए जो बातें कही जा रही हैं वह भी उस चीज़ों को लेकर के गंभीर नहीं है, लापरवाह हैं। यानी कि अगर कोई गंभीर समाचार, अगर ये कोई बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ है, बहुत ही मैंने सत्यता के साथ है, अगर कोई बात कही जा रही है, बहुत ही मौलिकता के साथ कोई बात कही जा रही है, सत्यता के साथ कही जा रही है, पूरे जनता के पक्ष के लिए बात कही जा रही है, तो आप अगर उसका समर्थन नहीं करते, आप उसके अगर समर्थन में नहीं खड़े होते, तो कई बार यह होती है कि जो उसे तैयार करने वाला है, जो उसे प्रस्तुत करने वाला होता है, वह है यह सोचता है कि हमारी जो अहमियत है, हमारे जो कहे की अहमियत है, हमारे जो लिखे की अहमियत है,
उसके प्रति लोग संवेदनशील नहीं है। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि जब हम चौथा खंभा कहते हैं, फोर्थ स्टेट कहते हैं मीडिया को, तो हमारी भी एक भूमिका बनती है कि हम अपने खंभे की, हम अपने पिलर की रक्षा करें। जब हम अपने खंभे या पिलर की रक्षा नहीं करेंगे, तो वह चौथा खंभा हो या पहला खंभा हो, उसका दुरुपयोग निश्चित तौर पर संभव है। और इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने आज के समय को, आज के सवाल को, आज की समस्याओं को, आज के मुद्दों को जो लोग भी तरजीह दे रहे हैं, जो लोग भी महत्व दे रहे हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें, उनके साथ संलग्न होने की कोशिश करें, उनके साथ ऐसी चेष्टा करें, उन्हें जताने की चेष्टा करें कि हम आपके समर्थन में हैं। क्योंकि जो मीडिया होती है, उसकी जो अकूत ताकत होती है, वह जनता जनार्दन होती है। जनमत निर्माण के द्वारा वह अपने लिए ताकत बटोरने का काम करती है। लेकिन जब जनता ही उसके समर्थन में खड़ी नहीं होगी, तो फिर दिक्कतदारियां सामने आएंगी। और आज यही हो रहा है। निश्चित तौर पर जो तकनीकी संचार है, उपग्रह संचार है, इंटरनेट संचार है, इसने पूरी की पूरी चीज़ों को बदल दिया है। कौन यह जानता था कि जो समाचार पत्र हैं, जो इतने पन्नों में होते हैं और जिन्हें पढ़ने के लिए पूरी की पूरी कवायद की जाती है, घंटों खर्च करने पड़ते हैं, वे चीज़ें आपके पॉकेट में आ जाएंगी। आप उसे है तो स्क्रॉल करते हुए पढ़ ले जाएंगे, जब मर्जी तब पढ़ ले जाएंगे। ये तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन आपको यह भी देखने की कोशिश करना होगा कि तकनीकी प्रभाव बढ़े हैं, लेकिन वैचारिक स्खलन तेजी से हुए हैं। यानी कि विचार के स्तर पर जो गिरावट हुई है, उसको भी देखे जाने की जरूरत है कि पत्रकारिता ने आखिरकार यह बदलाव कैसे और क्यों हो जाने दिया है। आखिरकार जनमत निर्माण को लेकर के जो एक धारणा होती है, और जरूरी धारणा होती है, वह यह होती है कि जो आप का माध्यम है, जो आपका जन माध्यम है, आपकी जो मीडिया है, आपके जो समाचार पत्र हैं, उनकी संलग्नता, उनका जुड़ाव कितना है तो जनता सापेक्ष है। वह किस तरीके से जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, उसे एक वैचारिक बहस के रूप में सामने ला रहे हैं, उस पर एक संपादकीय दृष्टिकोण है तो डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, कोई महत्व नहीं रखेंगी, तो फिर ये नहीं होगा। यह तब भी नहीं होगा जब आप केवल चीज़ों को इन्फॉर्मेटिव वे में ले जाने की कोशिश करें, उसे एनालिटिकल मोड में ना ले जाएं। जैसे अगर आप किसी चीज़ का पाठ करते हैं, तो पाठ के साथ ही अंतरपाठ होना जरूरी है, रचना के साथ पुनर्रचना होनी आवश्यक है, सृजन के साथ अनुसृजन होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। और जब हम शिक्षा में, अकादमिक जगत में विचार की परिपाटी को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि वह केवल अध्ययन और अध्यापन से नहीं जुड़ी हुई हैं, बल्कि एक मामला उनका जो है संश्लेषण और विश्लेषण का भी है। तो ये जो क्रिटिकल माइंड है, ये जो कॉग्निटिव माइंड है, इसको पकड़ने की जब तक से हम चेष्टा नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें विफल हो जाएंगी। जिस चेष्टा के साथ, जिस प्रयास के साथ, जिस लक्ष्य के साथ पत्रकारिता निकल रही है, पत्रकारिता से जुड़े लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जनमाध्यम के माध्यम से जो लोगों की स्थिति परिस्थिति को बता रहे हैं, वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे यदि हमारा उनसे दुराव है, अगर हम उनसे दूरी बरत रहे हैं, अगर हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पत्रकारिता के बदलते हुए जो मिजाज और जो तेवर हैं, नए और पुराने संदर्भ हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह का गैप है, अंतराल है। और ये सिर्फ जेनरेशन गैप नहीं है, बल्कि कंटेंट के स्तर पर गैप है, व्यूज के स्तर पर गैप है, न्यूज के स्तर पर गैप है, तमाम तरह की वो पद्धति प्रणाली जो है तो पहले गेटकीपिंग का काम करती थी, पहले है तो न्यूज सेंस और न्यूज वैल्यू के माध्यम से यह बताने की चेष्टा करती थी कि कौन सी चीज़ें प्राथमिक हैं, वह सिर्फ और सिर्फ फ्लोटरी नहीं थी, यानी शब्दाडंबर नहीं थी, वो केवल सिर्फ और सिर्फ है तो इन्फॉर्मेशन हाईवे नहीं थी, सूचना राजमार्ग नहीं थी। अब तो ऐसा हो गया है कि एक समाचार को आपने सुना भी ढंग से नहीं, उस
कि उसके चित्र, उसके वाक्य और उससे संबंधित तमाम तरह की जो एक विचार हैं आपके दिमाग में सही तरीके से अपना जगह भी नहीं बना पाए या अपना प्रभाव भी नहीं छोड़ पाए कि दूसरा न्यूज सामने आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा आ जाता है। तो ये जो बटोर है, सूचनाओं का जो बटोर है, वह दरअसल वह सूचना चाहे जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी संवेदनशील हो, जितनी भी जरूर हो, वह डिस्प्ले की तरह आंखों से गुजरती चली जाती है और आप पलक झपकाने की तरह जो एक स्वैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है, वह उसकी तरह वह समाचार आई गई हो जाती हैं। तो ये जो एक नई बदलती हुई धारणा है और नई बदलती हुई जो एक शिफ्टिंग है, न्यूज की जो शिफ्टिंग है, व्यूज की जो शिफ्टिंग है, और उसमें हम लगातार अपने को जिस तरीके से सहभागी बनाए हुए हैं, वह भी मैटर करती हैं। फिर हम चाहे राजा राम मोहन राय को लेकर के कसीदे का लें, या फिर है तो पंडित युगल कुशेर को लेकर के कसीदे का लें, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, या कि फिर आप है तो महामना मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक के, बाबूराव विष्णु पराड़कर, रघुवीर सहाय, राजेंद्र माथुर, कमला प्रसाद, प्रभास जोशी से होते हुए तमाम तरह के उन लोगों से जो आज भी अपनी को पत्रकारिता के क्षेत्र में जमाए हुए हैं, हमारी बात सिर्फ बतकही होगी, उसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि जनता को अगर हमें जागरूक करना है और सही मायने में अगर जागरूक करना है, तो ये तमाम तरह की जो बदलाव हो रहे हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो न्यूज चाहे है तो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहे हों, रेडियो के माध्यम से आ रहे हों, टेलीविज़न के माध्यम से आ रहे हों, या सिनेमा के द्वारा फिल्मी तरीके से आ रहे हों, वो अपने कंटेंट में कितने सही हैं, वे अपने स्टाइल में कितने सही हैं। अगर वह कंटेंट और स्टाइल हमारे भीतर कोई विचार नहीं पैदा कर रहा, किसी तरह का अर्थ बोध नहीं पैदा कर रहा, तो फिर उस सूचना के सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर बार बार हम जो संचार की अपनी एक प्रणाली है, जिसकी हम बात करते हैं, 7 C's की बात करते हैं, कि समाचार को सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, सही होना चाहिए, शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक हो जाती हैं। हमारी हम जिस तरीके से अपने समाचार पत्रों को लेकर के, हम अपनी पत्रिकाओं को लेकर के, अपने टेलीविज़न को लेकर के, अपने रेडियो को लेकर के जितने लापरवाह होते चले जा रहे हैं, उससे यह तय है कि वह भी हमें जो चीज़ें परोसेंगे, हमें जो हमारे सामने जो चीज़ें प्रस्तुत करेंगे, वह हमारे मन मस्तिष्क का सकारात्मक तरीके से, स्वस्थ तरीके से, सार्थक तरीके से निर्माण नहीं करेंगे। और ये जो निर्माण की प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, ये गिव एंड टेक की थ्योरी नहीं है, लेन देन की प्रक्रिया नहीं है, आपने कहा मैंने सुना की प्रक्रिया नहीं है, जो जनमत निर्माण की प्रक्रिया है, सनह सनह धीरे धीरे निर्मित होने वाली प्रक्रिया है। जिस तरीके से अंकुरण होते हैं, जिस तरीके से एक वृक्ष फलदार वृक्ष बनने से पहले बीज के माध्यम से निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे उसकी है तो उसमें है तो तना आते हैं, शाखाएं फूटती हैं, डालों पर पत्तियां आती हैं और पूरा का पूरा एक और आवरण बनता है वृक्ष का, वह है पत्रकारिता को अगर इस रूप में हम देखना चाहते हैं, इस रूप में अगर हम कल्पना करते हैं, तो इस स्वप्न में, इस कल्पना में यथार्थ का होना आवश्यक है। अगर आज के जो समाचार पत्र हैं या कि मीडिया के अन्य दूसरे भी माध्यम हैं, अगर यथार्थवादी नहीं है, तो कारण यह है कि हमारा जो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है वह आभासी हो गया है, और इंटरनेट की दुनिया ने और ये पूरा का पूरा जो पब्लिक स्फीयर है, इसने और ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। और इस तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो हम यह पाएंगे कि पत्रकारिता आज अपने बुनियाद से, अपनी नींव से हिली हुई है। उसने हाशिए के समाज को, शोषित और वंचित समाज के प्रति एक तरह की उपेक्षा, एक तरह के प्रवंचना के नए तरह के मुहावरे, नए तरह के नारे गढ़ दिए हैं। उनके लिए गरीबी नारा है, उनके लिए
शिक्षा नारा है, उनके लिए स्वास्थ्य नारा है। और इस नारेबाजी में मुहावरे, राजनीति को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, नारे और मुहावरे राजनीति को अच्छे लगते हैं, राजनीतिज्ञों के मुंह से सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका चरित्र स्पष्ट हो चुका है, उनका चरित्र साफ हो चुका है। और आज़ादी के इतनों दिनों बाद राजनीति और राजनेताओं ने अपना जो पूरा का पूरा है तो व्यक्तित्व लोगों के समक्ष रखा है, उसमें यह बात साफ है कि उनकी विश्वसनीयता तेजी से घटी ही नहीं है बल्कि लुप्त होती चली गई है। लेकिन यह जो मीडिया है, यह जो जनमाध्यम है, जिसने जन सरोकार को लेकर, जन संवेदना को लेकर, विचार और दृष्टि को लेकर के हमेशा एहतियात बरता है, अपने पर नियंत्रण रखा है, वह क्यों इसका शिकार होती चली गई है? उसके कारण यह भी है कि इस शिकार होने का कारण यह भी है कि जनता की जो संवेदनशीलता है, जनता जनता का जो एक जुड़ाव और लगाव है, वह है पत्रों के प्रति घटी है, माध्यमों के प्रति घटी है, सूचना लेन देन को वह भी एक गिव एंड टेक की तरह लेने लगी है। वह पहले क्या होता था कि जैसे पहले है तो लोग है तो अपने राजनीतिज्ञों से इतना बेइंतहा प्यार करते थे कि जैसे किसी क्षेत्र में अगर कोई भी खड़ा हो जाए, वह व्यक्ति का प्रभाव इतना होता था कि वह व्यक्ति जीत जाता था, या फिर किसी व्यक्ति का कार्य इतना अधिक प्रभावी होता था कि वह व्यक्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार लगातार निर्वाचित होता था। तो उसी तरीके से अखबारों के भी प्रभाव ये थे, पत्र पत्रिकाओं के भी प्रभाव ये थे, जन माध्यमों के भी प्रभाव यह थे कि लोग है तो उसके प्रति, उसके कहे के प्रति, उसके विचारों के प्रति हमेशा खड़े रहते थे, समर्थन में खड़े होते थे। लोग किसी के कहने पर भी, बरगलाने पर भी, समझाने पर भी बदलते नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि जैसे हम न्यूज चैनल बदलते हैं, वैसे अखबार बदल देते हैं। अगर आप अमर उजाला ले रहे हैं तो कल हिंदुस्तान लेने लगेंगे, आज हिंदुस्तान लेने रहे हैं तो कल दैनिक जागरण लेने लगे। आपका कोई मतलब ही नहीं है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों है, दैनिक जागरण क्यों है, अमर उजाला क्या है। तो पहले ये जो तबीयत होती थी, जो एक साख होती थी, जो एक दृष्टिकोण होती थी, और उसके माध्यम से जो एक अखबार की जो फ्रेमिंग होती थी, अखबार का जो एक पूरा का पूरा नक्शा बनता था, चरित्र बनता था, वह घुसपैठ नहीं थी, वह थी उसका की प्रभावशीलता। इस तरीके से जन जागरूकता का निर्माण करती थी। अगर अगर समाचार पत्र अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर लघु पत्र पत्रिकाएं कोई अपनी बात कह रही हैं, तो उनका प्रभाव क्षेत्र असर इतना अधिक होता था कि लोग उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। तो ये जो विश्वसनीयता का ग्राफ था, इस कारण था क्योंकि संपादक की सत्ता बची हुई थी। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरीके से संपादक की सत्ता खत्म हुई है, अब नए तरीके आए हैं, नए तकनीक आए हैं, और इन तकनीकों ने सब कुछ किया है, लेकिन मनुष्यता की जो मूल प्रवृत्ति है, मूल चेतना है, उस पर सबसे अधिक चोट किया है। और इस चोट के कारण हम सही दिशा में, सही तरीके से, सही रूप में नहीं सोच पा रहे हैं। हमें अंततः अपनी दिशा तय करनी होगी, अपना रूप तय करना होगा, क्योंकि व्यक्तित्व व्यवहार की जो हमारे यहाँ जो पद्धति रही है, मनसा वाचा कर्मणा की जो पद्धति रही है, लोगों के बीच लोगों का होने के लिए लोगों की जबान में आपको जो बोलना पड़ता है, वह बेहद आवश्यक है। महात्मा गांधी को भी इंडियन ओपिनियन से लेकर हरिजन तक निकालना पड़ा, समाचार पत्र के माध्यम से लोगों के बीच आना पड़ा। जागरण और जमाना के माध्यम से, हंस के माध्यम से प्रेमचंद को लोगों के बीच आना पड़ा। तो अगर आप लोक समर्थन चाहते हैं, लोक सत्ता के रूप में, जनसत्ता के रूप में, लोक के रूप में अगर आप अपने को आगे ले जाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप भी जन प्रहरी हों, आप चौथा खंभा हों, आप लोक सत्ता हों। अगर आपने अपनी सत्ता के साथ है तो समझौता किया है, तो फिर दोनों तरफ से आपको नुकसान सहने को मिलेंगे। यानी अगर संपादक की सत्ता संपादक ने खो दी, तो संपादक की अहमियत खत्म हो जाएगी, फिर मालिक का वर्चस्व बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जनता ने पाठक की अपनी भूमिका को खत्म कर दिया, दर्शक ने दर्शक की भूमिका को अगर उसने खत्म कर दिया, अगर है तो श्रोता ने श्रोता की भूमिका को खत्म कर दिया, तो फिर
पाठक दर्शक और श्रोता के रूप में फिर आप सवाल खड़े करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए नहीं बचेंगे। आज यही हो रहा है कि संपादक ने अपनी सत्ता खो दी और हमने है तो जनता ने पाठक दर्शक और श्रोता के रूप में अपनी क्षमता खो दी है। तो यह जो स्खलन है, यह जो विघटन है, यह जो है तो टूट फूट है, इसने हमारे समक्ष बहुत बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं। और जो प्रश्न खड़े किए हैं, इसके कारण जो जरूरी प्रश्न हैं, जो बुनियादी प्रश्न हैं, उन वे लगातार नज़रअंदाज होते चले जा रहे हैं, हाशिए पर चले जा रहे हैं। यही कारण है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं होती है। हम हर चीज को का थ्योराइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। और व्यवहारिक रूप में जब तक से वह चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी, वह सत्ता शक्ति नहीं दिखाई पड़ेंगे, तब तक से विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता के भी ग्राफ नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आपस में सही संतुलन, सही समन्वय बैठाया जाए। कोशिश की जाए कि हम पत्रकारिता के जिस वजूद को लेकर के, जिस सत्ता को लेकर के हम आग्रही हो रहे हैं, उससे तमाम तरह की अपनी अपेक्षाएं जोड़ रहे हैं, उनके होने को भी स्वीकार करें, उनके होने को उनकी तरह से स्वीकार करें। अगर कोई अखबार अपनी शर्तों पर अपने तरीके से हर चीज में ईमानदारी बरत रहा है, सत्य के साथ सत्य के समर्थन में खड़ रहा है, लगातार लड़ाइयां और संघर्ष कर रहा है, उस स्थिति में आवश्यक है कि हम उनके साथ खड़े हों। और नहीं तो फिर जो पत्रकारिता का मूल वजूद है वह हमारे बीच से खत्म हो जाएगा। फिर कॉरपोरेट जगत बचेंगे, फिर है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बचेंगी, और वे तमाम तरह के जो इलिट क्लास है और एक खास तरह के जो एक मीडियोकर हैं वे बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। अपने को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके पास ज़बरदस्त विचार हो और पैसा ना हो, और पैसे वालों का बल ना हो, तो आपके विचार आगे फैल नहीं सकेंगे, आपका पत्र ना चल सकेगा। इस देश में भी समाचार पत्रों का आधार धन हो रहा है, धन से ही वे निकलते हैं, धन ही के आधार पर वे चलते हैं। और बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ता है कि उनके काम करने वाले बहुत से पत्रकार भी धन ही की अभ्यर्थना करते हैं। कर्मेंदु शिशिर की इस बात को मैं पढ़ रहा हूँ कि वह आज की जो लिप्सा है, आज की जो संलिप्तता है, और जिसने वो अपनी धारा मोड़ दी है पत्रकारीय अहमियत को, पत्रकारीय चेतना के साथ समझौता करते हुए वे जिस तरीके के स्वार्थ लिप्सा, धन लिप्सा में दूसरी तरह की कारगुजारियाँ कर रहे हैं, उसके कारण पत्रकारिता की जो छवि है, जन जागरूकता वाली छवि है, वह दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। वे आगे कह रहे हैं कि अभी यहाँ पूरा अंधकार नहीं हुआ है, किंतु लक्षण वैसे ही हैं। कुछ ही समय पश्चात यहाँ के समाचार पत्र भी मशीन के सहारे हो जाएंगे, और उनमें काम करने वाले पत्रकार केवल मशीन के पुर्जे, व्यक्तित्व न रहेगा, सत्य और असत्य का अंतर न रहेगा, अन्याय के विरुद्ध डट जाने और न्याय के लिए आफतों को बुलाने की चाह न रहेगी, रह जाएगा केवल ऊंची लकीर पर चलना। मैं तो उस अवस्था को अच्छा नहीं कह सकता, ऐसे बड़े होने की अपेक्षा छोटे और छोटे से भी छोटे किंतु कुछ सिद्धांत वाले होना ही कहीं अच्छा। यह जो बात कर्मेंदु शिशिर कह रहे हैं, यह बात कोट करते हुए कह रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी को, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले मुहावरे को हमें छोड़ना होगा, हमें उसे तिलांजलि देनी होगी। नाम बड़े और दर्शन छोटे की जब मैं बात कह रहा हूँ, तो मेरा ये साफ संकेत यह है कि जो बड़े चैनल हैं, जो राष्ट्रीय चैनल अपने को कहते हैं, जो टीआरपी पोसी चैनल हैं, जिनके लिए अपना जो ग्लैमर्स है, अपना जो रंग रोगन है, अपना जो उनका स्वार्थ है, हित है, वह पूरा हो रहा है। अगर हम उनके पीछे पीछे अपनी आँख को रोपेंगे, अपने दिमाग को रोपेंगे, तो हमारा हित, हमारा लाभ नहीं होगा। हम जिस स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, उससे उबर नहीं पाएंगे, उससे पार नहीं पाएंगे।
इसलिए आवश्यक है कि जब गणेश शंकर विद्यार्थी बार बार यह ताकीद कर रहे हैं, और आज से कई दशक पहले यह ताकीद कर रहे हैं, 1920 से 30 के बीच यह जब बात अपनी कह रहे हैं, तो उनका संकेत साफ है कि हम चेष्टा करें कि ये जो पूरी की पूरी परंपरा हमने विकसित की है, नई तरह की जो परंपरा विकसित की है, स्वार्थ लोलुप जो परंपरा विकसित की है, उससे हम मुक्त हों, उससे हम आज़ाद हों, तब जाकर हमारा जो अखबार है, हमारा जो पत्र पत्रिका है, हमारे जो अन्य जन माध्यमों के रूप में रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है, इंटरनेट आधारित वेबसाइट हैं, तमाम तरह के ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया के रूप में उभरती एक नई ताकत है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो ये इनकी जो रवायत है, इनकी जो परंपरा है, इनकी जो असलियत और हकीकत है, यह तभी होगी जब आप उनके साथ खड़े होंगे। साथ खड़े होना बेहद ज़रूरी है। आखिर में मैं इल्तिजा करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम अपने विद्यार्थियों को, हम अपने शिक्षार्थियों को, एक या कि एक अध्यापक बंधु होने के नाते हम अपनी चेतना में, हम अपनी दृष्टि में प्रतिबद्ध हों, पक्षधर हों। अगर हम अपनी किसी एक अखबार का पक्षधर नहीं हुए, हम किसी एक पत्रिका का पक्षधर नहीं हुए, हम एक किसी टेलीविजन का पक्षधर नहीं हुए, हम किसी ऐसे जनमाध्यम का पक्षधर नहीं हुए जो हमारी दृष्टि में सही हैं, हमारी दृष्टि में अगर वह सच के साथ हैं, तो फिर बहुत बुरा होगा। हमारा जो हित है वह सफल नहीं होगा, हमारा जो उद्देश्य है सूचना शिक्षा मनोरंजन का वह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विवेक पर विश्वास करें, हम अपने पढ़े लिखे होने पर विश्वास करें, और जब हम पढ़े लिखे हैं, हम जब शिक्षित हैं, तो हमारा जो चयन होगा निश्चित तौर पर सही होगा। सही गलत की परिभाषा तो इस बात से बनती है कि हमने प्रयोग के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, अनुभव के द्वारा अपनी चीज़ों को कैसे ग्रहण किया है। अगर शुरुआत में ही जैसा मैंने कहा था कि अगर ग्रहण करने पर ही ग्रहण लग गया है, तब तो आप कभी सही नहीं होंगे, हमेशा गलत होंगे। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम अपने सीखने, सोचने, समझने, देखने, ताकने, जानने और बूझने की ये तमाम तरह की जो कवायद हैं, जो अंततः परसेप्शन और परसुएशन का माध्यम बनती हैं, हमारी जो चेतना और दृष्टिकोण का निर्माण का काम करती हैं, इसके साथ खड़े हों। हम अपनी चेतना, अपनी दृष्टि में ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ खड़े होंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर हम अपने साथ नहीं खड़े हैं, तो हम चाहे किसी भी अखबार का नाम ले लें, किसी भी पत्रिका का नाम ले लें, संभव नहीं है कि वह हमारे साथ खड़ी होंगी या कि वे हमारे जागरूक होने का जिम्मा लेंगी। इसलिए आवश्यक है जो परंपरा है, वह चाहे पीसाई नाइथ की परंपरा हो, चाहे है तो इन राम की परंपरा हो, चाहे है तो अन्य दूसरे जो संपादक हुए हैं, वो चाहे राजेंद्र माथुर हों, कमला प्रसाद हों, प्रभास जोशी हों, आलोक मेहता हों, ये सारे पत्रकार जिस रूप में, जिस ढंग से अपनी पत्रकारीय दायित्व का निर्वहन किया है, उन्होंने अपने संपादकीय दायित्व का निर्वहन किया है, उसका हम ख्याल रखें। हम उनके प्रति संवेदनशील होंगे, पत्र भी, हमारे जनमाध्यम भी हमारे प्रति संवेदनशील होंगे। पूरा का पूरा मामला संलग्नता का है, जुड़ाव का है, संवेदनशीलता का है, और इस तरीके से जब हम उनका समर्थन करेंगे, तो वे हमारे समर्थन में खड़े होंगे, हम उनके पक्ष में होंगे, तो वे हमारे पक्ष में खड़े होंगे। आइए हम एक पुल बनाने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें कि अगर अपनी जान बचानी है, तो अपने दिमाग को बचाने की ज़रूरत है, और दिमाग का बचना तभी संभव है जब हमें सही खुराक मिले, सही आहार मिले, और ये जो सही खुराक है, जो ये सही आहार है, वह भोजन के माध्यम से नहीं, बल्कि अखबारों के माध्यम से मिलेंगी, उन संपादकीय दृष्टिकोणों से मिलेंगी, उन विचारों से मिलेंगी जो आज तक की परंपरा में हमारे बीच कायदे से काम करती रही हैं, एक मजबूत स्तंभ के रूप में, चौथे खंभे के रूप में अपने भूमिका का निर्वहन करते रही हैं। मैं आखिर में
डॉक्टर सर्वेंद्र जी का एक बार फिर से शुक्रिया कहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने बातचीत के क्रम में बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की है। अब यह कोशिश कितना सफल हुआ है, हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो मुझे सुन और देख पा रहे हैं, वह बताएंगे। लेकिन आखिर में मैं SCRT उत्तर प्रदेश को आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और साथ ही साथ अपने मित्र डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इस मौके पर हम एक संवाद के तहत आपसे जुड़ सकें। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।